आप सबको भी स्वागत है। आज हम एक नया पाठ, जिसकी मेहनत उसकी जीत। देखो इस पाठ में एक नाम किस तरह है, देखो जिसकी मेहनत होता है उसका जीत होता है। जो व्यक्ति परिश्रम से काम करता है उसका एक ना एक दिन क्या होता है, जीत हासिल हो सकता है। इसलिए आप सदा अपने पढ़ाई में व्याकुल रहे तो उस पढ़ाई में अच्छे से अच्छे अंक आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह एक लड़का ने एक चींटी से किस तरह बातचीत करते हैं और उसका चींटी का परिश्रम किस तरह वर्णातीत किया गया है, इस पाठ से हम अध्ययन करेंगे। बच्चों आज मकड़े इंदु ना ऐसा पाठ, जिसकी मेहनत उसकी जीत। यार वो परिश्रम इतनी और ल निश्चित सततवाद परिश्रम सततवाद अभ्यास ना रूढ़क्रे याद केस याद साधने मुटोदी अब नम्बर ल आगे आगे तनक वो निदर्शन वो पाठ यहाँ जिसकी मेहनत उसकी जीत। यह पाठद बालक वो इर्वे जो मतना आर्वे वो सततवाद निरंतर परिश्रम आरी मुटोदनकोड़ अद्भुतवान सुंदर पाठ याद मकड़े जिसकी मेहनत उसकी जीत अब पाठ मकड़े नहीं पुस्तक तेरी पुट संख्य इपत्ट। बच्चों आप सभी भी इस पाठ से क्या सीख सकते हैं, इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। देखो बच्चों आप सभी भी इस पाठ के द्वारा मेहनत का मतलब परिश्रम, निरंतर परिश्रम से क्या फल मिलता है उसके बारे में आप सभी भी जान सकते हैं। और अनुशासन यानी शासनों नियमों वो रहते हैं ना, उसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपसे सीख सकते हैं। और इसके अलावा आत्मविश्वास जैसा मूल्यों को सीख सकते हैं। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, उसे आत्मविश्वास से आप काम किए तो उसमें आपका जीत अवश्य मिल सकता है। इसलिए आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को आप सभी भी इस पाठ के द्वारा सीख सकते हैं। मकल पाठद मुखातर नहीं कलती परिश्रम शासन आत्मविश्वास ये मूरू विषय महत्वते एस्ट अद्भुत अोदन पाठद मुखातर मकड़े नहीं कलती अंतबू पाठ के ध्यान रखिए। एक चिंटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। देखो एक चिंटी ने चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। एक नन्ना सा चिंटी ने वहाँ एक दाल का टुकड़े यानी चने का दाल वहाँ गिरा हुआ था, उसे पकड़ने के लिए वो पकड़कर गोल गोल घूम रही थी। टीलू ने पूछा, चिंटी रानी यहाँ क्या कर रही हो? देखो टीलू ने उनको पूछा, चिंटू रानी यानी चिंटी रानी यहाँ तुम क्या कर रहे हो? देखो एक दिन एक छोटा सा चिंटी ने एक दाल का टुकड़े को यानी चने का दाल का टुकड़े को पकड़कर गोल गोल घूम रही थी। तभी टीलू यानी इस एक छोटा सा लड़का का नाम था, टीलू ने उनसे पूछा, चिंटी रानी तुम तो यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह उनको एक प्रश्न पूछा। ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಇರುವೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ತುಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾಕೊಂತಿತ್ತು. ಆಗ ಟೀಲು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕೇತನ, ಇರುವೆ ರಾಣಿಯೇ ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕೊಂತಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಟೀಲು ಬಾಲಕ ಆ ಇರುವೆಗೆ ಕೇತನ. ಮುಂದೇನಾದ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಇಸ್ ದಾಲ್ ಕೋ ಅಪನೆ ಬಿಲ್ ತಕ್ ಲೇ ಜಾನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂ. ದೇಖೋ ಚಿಂಟಿನೇ ಉನ್ಸೆ ಕಹತಾಕಿ, ಮೈ ಇಸ್ ದಾಲ್ ಕೋ ಅಪನೆ ಬಿಲ್ ತಕ್ ले जाना चाहती हूँ. देखो उस लड़के का प्रश्न का जवाब देते हुए चिंटी ने उनसे कहा कि मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ. मत इर्वे आवंदो हुड़गुगे उत्तर कोड्तो, ई वंदो कडले काळिन वंदो तुंडैतल इदन्न नन्न वंदो मनेय वर्गुनो यहाँ बिल का मतलब मैंने यहाँ लिखा है चिंटी का निवास स्थान यानी इर्वेय मने ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗೂಡು ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಇರುವೆ ಆ ಒಂದು ಟೀಲುಗ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಕಹಕರ್ ಚಿಂಟಿ ನಾಚನೆ ಲಗಿ, ದೇಖೋ ಉತ್ನೇ ಕಹತೇವೆ ಓ ನಾಚನೆ ಲಗಿ, ಮುಜೆ
खाना मिल गया। इस तरह वह संतोष से वह नाचने लगा। आवे रीतिया टीलू नड़देका तकनी नन गूड़े अंत आवंटी इवे अली कुणियाु मई तुम्हारी बिल तक पहुँचा दू तब टीलू ने उनसे पूछता है और एक बार प्रश्न मई तुम्हारे बिल तक पहुँचा दू नि गूड़न वर्गू बिट बरली अंत मत आ टीलू इवे प्रश्न हाँतान टीलू ने हमदर्दी से पूछा। टीलू ने हमदर्दी का यानी सहानुभूति से उन पर सहानुभूति आ गया। उसका परिश्रम देखकर उनको कितना ये काम कर रहे हैं, इस तरह उनका मन परिवर्तन होकर मैं तुम्हें कोई भी सहाय कर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारा बिल तक पहुँचा दूँ। आवे वो परिश्रम नोड़ मनस करतु सण इवे तन का तक इष्ट परिश्रम पड़ाती आवड़वर्गू नान बिड़े अंत मत आ टीलू आवेग प्रश्न आगान आवे ऐन आते नोड़ी चिंटी बोली नहीं मैं इसे खुद ले जाऊंगी। देखो तब उन्होंने उनसे बताता है कि मैं यहाँ खुद ले जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा सहायता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत से काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वैसे ही छोड़ दो, मैं अकेला इसे ले जाऊंगी। इस तरह चिंटी ने टीलू से बताते हैं मत इवे तो इनू नन सहाय बेड़ निन्कंप यू नन बेड़ इन नानेनमती स्वप्रयत्न नूड़े नने के तेजकिन आवे हेतु मकड़े मुद्दे नोड़ी नेक्स्ट पेज इकड़े इपत् पेज कड़े लक्ष्य को अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी। देखो आगे टेलीफोन से और एक प्रश्न पूछा अगर तुम इसे न ले जा सके तो क्या करेगी। देखो उतना वजन है वो, इसलिए तुम तो छोटा हो, इसे नहीं ले जा सके तो क्या करोगी। इस तरह टीलू ने उनको और एक बार प्रश्न पूछा इत भाला वज्रंत कड़े काल्ति नहीं भाला सन्दी निन्े वो मणिगे गुड़े कर्क वैयाकल आगेमती मत टीलू आवे प्रश्न हाँतान टीलू ने धीरे से पूछा मत निधान आवे रीतिया प्रश्ने हाकद मकड़े आव मत इवे ऐन आते नोड़ी विश्वास के साथ चिंटी ने कहा कोशिश करने पर मैं हारूंगा नहीं। देखो उन्होंने आगे उनसे कहता है कि विश्वास के साथ चिंटी ने कहा अपने आप पर आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प था, इसलिए उन्होंने ये चिंटी ने बताया कि कोशिश करने पर हारूंगी नहीं। जो व्यक्ति कोशिश करता है और जीवन में भी नहीं हारता है, इसलिए निरंतर परिश्रम निरंतर पढ़ाई से आप भी क्या हो सकते हैं, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में ध्यान रखते हुए आप भी अपने घर में अपने कामों को करते हुए पढ़ाई पर भी नज़र रखिए, क्योंकि पढ़ाई जितने आप करते हैं उतना ही आपका अंक आ जाता है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान रखिए और अच्छे से अच्छे अंक पाइए और आपका माँ बाप आपका गुरुवृंद आपका मित्र सभी भी खुश हो जाता है। इसलिए बच्चों मेहनत करने वाला का कभी भी हार नहीं होती है। मकड़े इले आवे आत्मविश्वास हेतु ऐन हेतु नान प्रयत्न पड़ोद्रे सोलूद नूड़े सण कड़े का वैदी अव दृढ़वान नंबिक आवे टीलूग उतर को तुम इतनी मेहनत करोगी। टीलू ने फिर पूछा देखो आगे उन्होंने उनसे और एक प्रश्न पूछा तुम इतनी मेहनत करोगी। टीलू ने फिर पूछा नी इष्टु बहला कष्टपट पिश्रम पट इष्टल अंत मत टीलू अद्क प्रश्न हाकद आव मत उत्तर ऐन नौ मकड़े इस बार चिंटी को गुस्सा आ गया। ये बार बार उनको प्रश्न पूछने लगा, इसलिए उनको उस पर गुस्सा आ गया। यो हल्ला मल्ले प्रश्न हाकता इवि भाला सिटू कोप बनु अवेनमत नौड़ी मकड़े वहाँ बोली मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। देखो मेहनत से काम जो करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति खुद अपना काम करते हैं ना तब उनको बहुत आनंद मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों से काम करवाते हैं ना उसमें क्या नहीं होता है,
कुछ ही नहीं रहता है। आप भी आपका काम खुद करिए, उस दिन आपको बहुत क्या हो सकता है, बहुत उल्लास संतोष हो जाते हैं आप तो। मगर आपका काम को दूसरों से करें तो आप पूरा आलस्य बन सकते हैं। इसलिए आपका काम आप स्वयं खुद करिए, तब आपका क्या हो जाएगा, मन भी खुश हो जाएगा, आप भी बहुत खुश हो जाएगा। ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರುವೆ ಹೇಳ್ತು, ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾ ಮಾಡ್ತಾನ ಆಗ ಅವ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಆ ಇರುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತು, ಚಲೋ ಅಬ್ ತುಮ್ ಮುಜೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ದೋ, ದೇಖೋ ಚಿಂಟಿನೆ ಉನ್ಸೆ ಟೀಲು ಸೇ ಬತಾಯ, ಚಲೋ ಅಬ್ ತುಮ್ ಮುಜೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ದೋ, ತುಮಾರಾ ಬಾತ್ ಛೋಡ್ ದೋ, ಅಬ್ ಮುಜೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆಲೇ ಛೋಡ್ ದೋ, ಇಸ್ ತರ ಓ ನನ್ನಿ ಚಿಂಟಿನೇ ಟೀಲು ಸೇ ಬತಾಯ. ಆ ಹಿರಿವೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತು, ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಂತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುವೆ ಟೀಲುಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಟೀಲು ವಹಾಸೆ ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಹಟ್ ಗಯ, ದೇಖೋ ಚಿಂಟಿ ಕಾ ಬಾತ್ ಸುನ್ಕರ್ ಟೀಲುನೆ ವಹಾಸೆ ಚುಪ್ಚಾಪ್ ವಹಾಸೆ ಚಲ ಗಯ. ಆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಟೀಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಟೀಲು ವಹಾ ಗಯ, ಉಸ್ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ದಾಲ್ ಅಪ್ನಿ ಜಗ ಪರ್ ನಹಿ, ದೇಖೋ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಏನು ಕುಚ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಾಪಸ್ ಟೀಲು ವಹಾ ಆ ಗಯ, ಅವ್ರು ಉಸ್ನೆ ವಹಾ ದೇಖಾ ವಹಾ ದಾಲ್ ಅಪ್ನಿ ಜಗ ಪರ್ ನಹಿತ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಟೀಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದ. ಆ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಜಗದೊಳಗೆ ಆ ಕಡಲೆಕಾಳು ನೋಡಿದ. ಆ ಜಗದೊಳಗೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದವ ಆ ಟೀಲು, ಏನಾದ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಗ ಪರ್ ನಹಿತಿ ಕುಚ್ ದೂರ್ ಪರ್ ಚಿಂಟಿಯ ಕತ್ರಾಮೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಏಕ್ ಚೆನೆ ಕಿ ದಾಲ್ ಕೋ ಗಸೇಟಿ ಲೇ ಜಾರ ರಹಿತಿ, ದೇಖು ಕುಚ್ ದೂರಿ ಪರ್ ಚಿಂಟಿಯ ಕತ್ರಾಸೆ, ಕತ್ರಾಕ ಮತ್ಲಬ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ ಪಂಕ್ತಿ ಯಾನಿ ಲೈನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇ ಆಗಬೇಕು ಲೈನ್ ಕೈತೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಸಾಲು, ಉಸ್ಕಾ ಏಕ ಚಿಂಟಿಯೋ ಕ ಕತ್ರಾಕಿ ಏಕ್ ಸೆ ಏಕ ಪೀಚೆ ಯಾನಿ ಚೆನೆ ಕ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಗಸೀಟೆ ಲೇ ಜಾ ರಹಿತೆ, ದೇಖು ಏಕ ಏಕ್ ಚಿಂಟಿನೇ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಮೋಮೆ ಏಕ ದಾಲ್ ಕೋ ಪಕಡ್ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಗಸೇಟೆ ಲೇ ಜಾ ರಹಿತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುವಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟೀಲು ನೋಡಿದ. ಕಡಲೆಕಾಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದೊಳಗೆ ಇರುವೆ ಸಾಲನ ಇತ್ತು. ಆ ಇರುವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಟೀಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ. ಈ ಇರುವೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲು, ಈ ಒಂದು ಕತ್ರಾಕ ಮತ್ಲಬ ಪಂಕ್ತಿ ಸಾಲು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಹೊಂಟಿರೋದು. ಆ ಸಬ್ಕೋ ಭಿ ಏ ಯಾದ್ರಾನ ಚಾಯಿಕೆ ಹಮಾರ ಆಜ್ ಮೇ ಹಮ್ ತೋ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕಾ ಸೈನಿಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ, ಓ ಸೈನ್ಯ ಚಿಂಟಿ ಕಾ ಪಂಕ್ತಿಕೋ ದೇಖರೇ ಅಪ್ನ ಲೈನ್ ಕಿಸ್ ತರ ಕಡಾ ಹೋನಾ ಹೇ ಓ ಸಬಿ ಭಿ ಸಿಕ್ಕಾ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಯತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇರುವೆ ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ನ ಟೀಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಬ ಟೀಲುಕ್ಕು ಲಗ ಇನ್ಸೆ ಹಮೆ ಸಹಯೋಗ ಅವ್ರ ಅನುಶಾಸನ ಭಿ ಸೀಕ್ನ ಚಾಯಿ. ತಬ್ ಟೀಲುಕು ಮನ್ಮೆ ಏ ಯಾದ ಆಯಕಿ ಹಮ್ ತೋ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೇ, ಇನ್ಸಾನ್ ತೋ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ ಪರ್ ಕಭಿ ಭಿ ನಜರ್ ನಹಿ ರಖತಾ ಹೇ, ಮಗರ್ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಚಿಂಟಿನೆ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಸಹಯೋಗ ರಹತಾ ಹೇ ಅವ್ರ ಅನುಶಾಸನ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಏ ಸಭಿ ಭಿ ಓನ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜಾನ್ವರ್ ಸೋ ಜಾನ್ವರ್ ಸೇ ಏನೇ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜೀವಿ ಹೊಸೆ ಹಮ್ ಸೀಕ್ನ ಚಾಯಿ. ಆ ಒಂದು ಟೀಲು ಗಣಿಸ್ತು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಇರುವೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿತೈತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚಿಂಟಿ ಕಹಾ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ ರಹಿತಿ, ದೇಖು ಚಿಂಟಿ ಕಹಾ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ ರಹಿತಿ, ಚಿಂಟಿನೇ ಏಕ ದಾಲ್ಕಿ ಏನೇ ಚೆನ್ನೈಕ ದಾಲ್ಕೋ
टुकड़े को अपने मुंह में लेकर क्या कर रहा था, वहाँ गोल गोल घूम रहा था। चिंटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? चिंटी के प्रति हमदर्दी टीरू ने दिखाया। टीरू ने हमदर्दी से चिंटी से क्या पूछा? टीरू ने हमदर्दी से चिंटी से पूछा, मैं तुम्हारा बिल तक छोड़ दूँ? इस तरह उन्होंने उनसे पूछा। टीरू ने चिंटी से क्या सीखा? टीरू ने चिंटी से परिश्रम और शासन, सहयोग आदि गुणों को उन्होंने उनसे सीखा है। वहाँ विलोम शब्दों का उत्तर देखिए हम बच्चों, आप ही खुद बोलने का एक कोशिश करो। पास दूर, विश्वास अविश्वास, बहुत कम, पीछे आगे, हार जीत। वहाँ जोड़ कर लिखिए, चिंटी नाचने लगी। टीलू ने धीरे से पूछा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, मेहनत से काम करना। एक 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 के पीछे एक जा रही थी। सही शब्द खाली जगह भरो। मैं इसे बिल ले जाऊंगी, तुम इतनी मेहनत करोगी? दाल अपनी जगह पर नहीं थी। हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाइए। वहाँ एक उदाहरण दिया है बच्चों आपको, चिंटी कोशिश, टीलू मेहनत, दाल कतर कतरा काम। और कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए आपको बताए, देखो मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं, नानु निन्न ओंदु मनेवर्गुनु बिडबहुदा? चिंटी को गुस्सा आया, इरुवेगे सिट्टु बंदितु। मुझे काम करने दो, ननगे केलस माडलु बिडु। कतरा में एक के पीछे एक जा रहे थे। सालुगळल्लि एल्ल इरुवेगळु ओंदर हिंदे ओंदागि सागुत्तिद्दवु। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। राधा रमेश डैश बहन है, राधा रमेश की बहन है। राधा सेंट्रल स्कूल में डैश है, पढ़ती है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, डैश है बेटी। विजातीय शब्द चुनकर लिखो, तोता कबूतर कौवा सांप। यहाँ सभी भी पंछियाँ हैं, वहाँ सांप पंछी नहीं है, इसलिए सांप लिखना होगा। बाघ चीता सिंह गाय, देखो बाघ चीता सिंह ये सभी भी मांसाहारी जानवर हैं, गाय तो सस्याहारी जानवर है। बस माता पिता बहन, ये सभी भी रिश्तेदार है, माता पिता बहन सभी भी रिश्तेदार है। बस तो एक वाहन है। सही वर्णों को समानार्थक शब्द लिखो। वहाँ आपको एक उदाहरण भी दिया है, घर का वहाँ बताया है, मकान। आसमान, आसमान का समानार्थक शब्द है गगन भी आप लिख सकते हैं, मगर वहाँ शब्द श है, इसलिए आप वहाँ आकाश लिखना होगा। पुस्तक ता है, इसलिए किताब। भीतर अम लिखा है, इसलिए अंदर। संज्ञा के साथ पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहते हैं, आप सबको भी मालूम है, आप सभी भी सीखे हैं संज्ञा सर्वनाम। कन्नड़ में क्या कहते हैं, नामपद ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತೇವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಾಗಲೇ ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸಿರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸೋಣಂತ ಬಚ್ಚೋ. ಅಗಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಮೈ ಮಿಲೂಂಗಾ ಔರ್ ಏಕ್ ನಯಾ ವಿಷಯ ಪರ್ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಕರೂಂಗಾ. ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಭೀ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ.